जैसा कि आज की क्लास में बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बायस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। बहुत स्पेशल तरीके से आराम से क्वेश्चन को सीखेंगे जिससे कि आपको कोई भी गलती ना लगे, ठीक है? तसल्ली से मैं पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा, उल्टा आप मेरे से दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद। सर ऐसी बात है, हाँ ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके का है कि अगर इस क्वेश्चन को आपने तरीके से समझा तो अगला क्वेश्चन मैं आराम से समझा पाऊंगा, अदरवाइज इसी में पहले मेरे को कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने में टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है, एक अकेला बैग नहीं देगा, ऑलमोस्ट ज्यादातर हो सकता है एक बैग दे दे, दो बैग दे दे या तीन बैग दे दे। अभी दो बैग की बात करते हैं, दो बैग हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, जिसके अंदर चार तो रेड बॉल हैं, छह ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है? अभी आपके लिए सेवन लिख देता हूँ जिससे आप काट पीट ना करो, और थ्री रेड बॉल्स हैं और फाइव एट सेवन इलेवन थर्टीन फाइव एट ब्लैक बॉल्स हैं। क्वेश्चन क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, समझना, और जिसके माइंड में क्लिक करे वो तब मेरे से उल्टा क्वेश्चन पूछना। अगर मैं पहले ये कहता आपके सामने दो बैग हैं, मैंने कहा रेड बॉल निकालनी है, एक रेड बॉल निकालो, उल्टा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा जबकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा एक रेड बॉल निकालो, तो आप क्या बोल रहे हो, कौन से बैग में से? भाई इस बात पे बहुत बड़ा खेल है, टोटल मत कर वरना अलग बैग क्यों देता, एक ही बैग में नहीं घुसेड़ दूंगा सारी बॉल, ऐसे पलट दे फिर तो। नहीं समझे मेरी बात, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, एक रेड बॉल निकालो तो आपने क्या पूछा, कौन से बैग में से? अब मैं खुद बताऊंगा तब बोलना, पहले बैग में से रेड बॉल निकालनी है, क्योंकि मैंने कहा था एक रेड बॉल निकालना या रेड बॉल निकालना एक ही बात है, तो पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/11, दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/, ये क्लियर है ना? पहले क्वेश्चन समझते हैं जरा, पर मैंने क्वेश्चन तो आपसे यही बोला है कि रेड बॉल निकालो, तो आपने क्या करा, जब तक प्रोबेबिलिटी नहीं बता पा रहे, जब तक मैंने बैग नहीं बताया, तो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, यहां पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं फिर उसका नाम दूंगा। अगर मुझे सिर्फ ये बोला रेड बॉल निकालो तो माइंड में आया यार दो बैग हैं, अब पेपर में तो पूरा करना है, तब हम क्या करेंगे, जान के पहले बैग सिलेक्ट करेंगे फिर रेड बॉल निकालेंगे एक केस, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट करेंगे फिर उसमें से रेड बॉल दूसरा केस, तीसरा भी हो तो तीसरा भी, समझ गए? फिर जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे कितने सेंस निकले। अब मैंने कहा रेड बॉल निकालो तो आप कहोगे दो तरीके से निकल सकते हैं भैया, मैंने कहा तो आप क्या बोलोगे, एक तो पहले रेड पहले बैग में से निकालो या फिर दूसरे बैग में से, एक साथ नहीं निकाला इसलिए पीछे प्लस आएगा, तो अब वेट, तो ऐसे डायरेक्ट रेड निकालो समझदारी नहीं है, पहले बैग सिलेक्ट करूंगा, और बैग कितने हैं दो, तो दोनों बैग की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर कुछ नहीं बोला, तो पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे समझते हैं कॉन्सेप्चुअली, पहले बैग को सिलेक्ट करा फिर पहले बैग में से रेड बॉल प्लस रेड निकल गई पर जोड़िए पहले बैग में से निकले, दूसरे बैग को सिलेक्ट करा, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये क्लियर है? निकली रेडी है। अब बात आती है ये क्या है, सुनो जरा, क्वेश्चन में E1 E2 और R, ये आपकी इच्छा है, आप इसको कोई भी नाम दो, मैंने E1 इवेंट नाम दिया है सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट के लिए, E2 नाम दिया है सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड के लिए, और R डिनोट कर रहा है रेड बॉल इज ड्रॉन को, ये लिखोगे आप R डिनोट रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है? अब वेट, लैंग्वेज को समझते हैं, अगर मैं इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ईवन, अगर मैंने यहां पे सिर्फ ईवन लिखा तो ईवन क्या डिनोट कर रहा है कि बैक फर्स्ट को सिलेक्ट किया, क्योंकि ना इसके नीचे आर लिखा ना कुछ लिखा, सिर्फ ईवन मतलब बैक फर्स्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। अब सुनो, जैसे हमारे मार्क्स आते हैं 100 में से 90, 100 में से 70, 100 में से 80, 100 में से 85, 100 में से 100, ये 100 में से, तो जिस में से मिलता है वो नीचे या ऊपर, जो एक तरह से कंडीशन लगी यानी रेस्ट्रिक्शन लगी या आपके जो मार्क्स आए एक तरह से वो ऊपर एट द एंड, तो यानी यहां पे भी वही चीज है, पहले बैग में से इवन पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी R/E2 का मतलब क्या है, दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों लैंग्वेज का मतलब समझ पा रहे हो, पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की,
क्लियर है। तो इसको कैसे लिखते हैं प्रेजेंटेशन में कि पहले बैग सिलेक्ट किया, इवन वो यहां पे मेंशन कर रखा है, पहले बैग सिलेक्ट किया, फिर पहले बैग को सिलेक्ट करने पर ये रहा इवन, यानी क्या लग गई कंडीशन लग गई, पहले बैग को सिलेक्ट करने पर फिर रेड बॉल निकाल, ये है दिख रहा है वन टू ए बाई ए टू, जिससे प्रोबेबिलिटी कभी डिस्टर्ब ना, इसलिए मैंने ये वाली चीज पहले बताई थी अभी आपको, फिर आर बाई टू, ये तो क्लियर है। पर वेट बेस थ्योरम ये नहीं है, ये हमारी पिछली एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज बची थी वो आपकी इन्हीं क्वेश्चन से खत्म रहेगी तुरंत, जब वो यही सब बोलता रहेगा तो आप आराम से करते रहेंगे। बायस थ्योरम में क्या होता है, वो सिंपल सीधा बैक की पूछेगा। अब सुनो, जैसे उसने कहा बैक सेकंड की बताओ, पर वेट रेड बॉल निकालने पर, तो रेड बॉल निकालने पर बैक सेकंड की बताओ, तो कॉन्सेप्चुअली अगर जाओ तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा था, दोनों का क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, क्लियर है बोलो हाँ, और डिवाइड बाय, अब खुद ये सब लिखने की जरूरत नहीं है सच बताऊं तो देसी लैंग्वेज में, आप क्या करना पहले की पहले से दूसरे की दूसरे से इंटू कर ली, यानी एक तरह से आपने क्या करा रेड बॉल निकाल ली पहले ही, जितने वे निकल सकते थे रेड बॉल निकालने के निकाल दिए, वो क्वेश्चन पता क्या बोलेगा रेड बॉल निकालने पर बैक की बताओ, वरना बैक की तो हम ऐसे बता देंगे वन बाई टू। तो जोन से बैक की पूछे, जोन से बैक की पूछे, अगर पहले बैक की बोलता है ये वाला पोर्शन ऊपर रख देंगे, अगर दूसरे बैक की बोलेगा ये वाला पोर्शन ऊपर रख देंगे, और उसे दूसरे बैक की बोली है, ये क्लियर है, एलसीएम सेम है तो ऊपर आ गया तीन बटे चार प्लस तीन इक्वल टू तीन बटे सात। अब ये जिसको समझ नहीं आया, ये सारी चीजें मैं ही बोल रहा था, अब बेटर है कि क्वेश्चन के साथ समझेंगे ये सारी बातें, रेडी तो ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो क्वेश्चन को पहले आराम से रीड कीजिए टुकड़ों में। क्वेश्चन में बोला बैग फर्स्ट कंटेन्स थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी, जो बैग फर्स्ट है बोलो हाँ, फिर दूसरा बैग बोला उसने क्या, दूसरा बैग है, दूसरे बैग में क्या है तीन रेड हो गई, इससे क्या होगा ना आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना, और यहाँ पे सारी पिक्चर बनी रहती है, चार ब्लैक, टीचर कोई नंबर नहीं काट रहा इन चीजों से, ये ध्यान रखना। फिर दूसरे बैग में क्या बोला गया है पांच रेड और छह ब्लैक, यहां तक पढ़ते समय कोई दिक्कत है अभी, क्वेश्चन सीधा सीधा चला। अभी वेट, अब आगे बढ़ा क्वेश्चन को, उसने कहा वन बॉल इज डोन एट रैंडम, ठीक है माइंड में आया कौन से बैग से, अभी दिमाग में चल रहा है, उसने कहा फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी एक बैग से बोल दे उसने, फिर साथ बोला एंड इट्स फाउंड टू बी रेड, उसने कहा वो रेड बॉल निकाली गई, भाई उसने ये नहीं बोला अभी तक फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसने तो ये बोला कि एक रेड बॉल मतलब तो एक बॉल निकाली गई किसी एक बैग में से जो कि रेड कलर की है, उसके बाद क्या बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, अगर तुम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचोगे फिर तो सेकंड बैग की तो 1/2 ही हो गई, इतना सा देगा क्वेश्चन यू, ना 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 रेड बॉल निकालने पर सेकंड बैग की बोल रहा है वो, मतलब फालतू की लाइन क्यों देता है रेड बॉल निकालो, वो क्या कह रहा है रेड बॉल निकालने पर बैग की निकालो, लैंग्वेज समझते पहले। अब क्वेश्चन क्या है रेड बॉल निकालने की दो केस हैं, तो भाड़ में गई सारी लैंग्वेज, सबसे देसी तरीका समझना, दो बैग दिए दोनों बैग के अलग अलग लिख लो इवन और ई टू, लिख लिया और आर भी नोट कर दो, इवन को नाम दे दो पहले सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, देसी लैंग्वेज बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जिससे आप सभी क्वेश्चनों को विद इन वन शॉट कर पाए, कोई फालतू की प्रेजेंटेशन नहीं, क्लियर, और रेड बॉल इज ड्रॉन, यही है, ब्लैक कहता तो ब्लैक कर देता, रेड बोलेगा तो रेड कर दूंगा, आर की जगह ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो, डन है पहले। अगर मैंने ये देख ही नहीं रहा इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तुम्हें क्या लग रहा है ये सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो रेड बॉल निकालने पर पूछ रहा है, और वेट ऊपर नीचे मत कर देना, आर बाई इवन ई बाई आर वन बहुत बड़ा फर्क है, हम जो अब लिख रहे हैं वो लिखेंगे पहले बैग में से रेड बॉल, शब्दों को समझे तो यानी आर बाई इवन जो निकाल लो वो तो ऊपर रखेंगे ना, फाइंड करने वाली चीज ऊपर जो गिवन है वो नीचे, ये क्लियर बोलो हाँ, रेड बॉल फ्रॉम इवन, ये प्रेजेंटेशन हो गई, छोटी सी प्रेजेंटेशन तो याद कर ही सकते हैं, कौन से की पूछेगा कौन सा पलट दो ऐसे करके तुरंत, बस ऐसे समझना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में, आर बाई इवन क्या है वो देख के लिख लो, थ्री बाय सेवन, आर बाई ई टू क्या हो गई बोलो फाइव बाई इलेवन, सबको क्लियर है, सुनो फिर सीधा पता है अगर गलती से गलती ना हो जाए तो आप सीधा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल के सीधा प्रोबेबिलिटी लिख देना, या तो नहीं तो कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है, जोन से बैक की पूछे कौन से बैक की बोल रहा है वो, तो इन दोनों के नाम पलट देना पहले, तो पहले क्लियर है, यानी वो ये पूछ रहा है
कि रेड बॉल निकालने पे सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब भैया ये पहले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, वरना सीधा आप ये वाला स्टेप करना जो मैं यहां लिख रहा हूं, वन बाई टू की इंटू किसमें करोगे, थ्री बाई सेवन में, वन बाई टू की इंटू किसमें करोगे, और जॉन से की बोले वन सा ऊपर, ये क्लियर है बोलो हाँ। पर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ई वन की किसमें करेंगे, आर बाई ई वन में, ए टू की किसमें करेंगे, आर बाई ई टू में, दिख रहा है सबको, बोलो हाँ। तीसरा बैग भी होता ए थ्री की इंटू आर बाई थ्री, चौथा भी होता उसको भी लिख देता, और जॉन से बैग की पूछेगा वन सा ऊपर, तो इसमें क्या हो गया ए टू इंटू, इनमें मत पलट देना, यही वाला एज इट इज आएगा, क्लियर है, और इसको पलट के यहां लिखा हुआ है, और कैलकुलेशन करते समय गलती ना करें तो इसलिए कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, रेडी बोलो हाँ। देखो 5 बाई 2 इंटू 11, इंटू मत करना टाइम वेस्ट होगा, 2 इंटू 7 इंटू 11, जितनी कमी खली बस उसको पूरा कर दिया एलसीएम में, सिर्फ 11 उड़ता हुआ जाएगा 33, 7 उड़ता हुआ जाएगा 35, काट पीट भी जल्दी हो गई, क्लियर बोलो हाँ। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले में, तो एट द एंड आंसर क्या आया 35 अपॉन, और आंसर बिल्कुल सही है, नहीं आया मैंने समझ। अभी पहला क्वेश्चन देखा है, अब दूसरे पे आ जाओ, क्वेश्चनों की थोड़ी थोड़ी अब लैंग्वेज चेंज होती जाएंगी, अब आपकी सोच का दायरा सिर्फ बैग तक सीमित ना रह जाए, इसलिए क्वेश्चन वैरायटी जरूरी है, बैग वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ऐसे तीन क्वेश्चन दे दूं एक बार में गलत चले जाओगे, बताओ आप, प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन सामने रखो, डोंट वरी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम्पल ही एक तरह से बुक के एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे फिर करेंगे, रेडी क्वेश्चन को आराम से रीड करिए। वो मेरे को पहले ही सेव करनी थी ना पिक्स, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन में ना एक चीज और बता देता हूं, इन क्वेश्चनों की सबसे अच्छी बात क्या है, E1 और E2 की जो प्रोबेबिलिटी, इनका सम वन नहीं, ये जरूरी नहीं इनका सम वन हो, इनका सम हमेशा वन होगा, E1 E2 E3 E4 जितनी चीजें टूटेंगी उन सबका सम वन होगा, कभी कभी क्या होगा E1 E2 की दे रखी होगी, E3 नहीं दे रखी, तो हम खुद निकाल देंगे टोटल वन में से माइनस करके, क्लियर। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको बस पहले क्वेश्चन रीड करना है, आराम से करूंगा मैं ही, आप रीड करिए जैसे आपको करना है, बस मन में सोचना है बस क्या क्या दिया है, कौन सी चीज क्या नाम दूं, कौन सी नहीं दूं, उसे क्लियर बोला। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स, एक अब क्यों आ रहा है भाई, हाँ करो, तो क्या आया, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स, बोलो तो एक फैक्ट्री में बोर्ड्स बनाए जाते हैं, तीन मशीन लगी हुई हैं कंपनी में, ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन, जब मशीन प्रोड्यूस करती हैं तो तीनों मशीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है बोर्ड्स बनाने की, पर जब बोर्ड्स बनते हैं तो उन बोर्ड्स को बनने के बाद भी कुछ डिफेक्टिव बोर्ड्स अलग अलग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, डिफेक्टिव बोर्ड्स यानी तीनों मशीनों से निकले, उसके बाद उसने मशीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, पर कब, डिफेक्टिव बोर्ड्स के होने पर, क्वेश्चन आराम से पूछिए, और जोन सी मशीन की बोलेगा कौन सा पार्ट ऊपर चले आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे कि बोर्ड्स प्रोड्यूस बाय मशीने, ईवन नाम दे दिया, पहले आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, ईवन E2 E3 और डिफेक्टिव बोर्ड्स को E से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और मशीन द्वारा क्या है प्रोड्यूस्ड बोर्ड्स
प्रोड्यूस्ड बाय कौन सी मशीन से, मशीन ए बोर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, बोर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब भाई सीधा सीधा दिया, इसी से पता चल रहा है E1 है तो E1 E2 E3 होगा, क्योंकि इन सब का सम तो वन नहीं आएगा 5-4-2 का परसेंटेज में। पर ये यानी E1 क्या है, इसमें E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी। काटपीट मत करना, कंफ्यूज रहोगे, कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी आपकी, काटपीट नहीं करनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन में, 25/100, 35/100, 40/100। वेट, अब सुनो, ये हमारे लिए, अब ये हमें खुद से लिखना है, क्योंकि तीनों मशीनों द्वारा डिफेक्टिव बोर्ड्स बन रहे हैं, नहीं समझे? इसका मतलब समझते पहले कॉन्सेप्चुअली, डिफेक्टिव बोर्ड्स बाय मशीन ए, डिफेक्टिव बोर्ड्स बाय मशीन बी, डिफेक्टिव बोर्ड्स बाय मशीन सी। क्लियर है? डायरेक्ट डिफेक्टिव तो लिख नहीं सकते, क्योंकि डिफेक्टिव बोलूंगा तो फिर उसके लिए मुझे तीनों को जोड़ना पड़ेगा, डिफेक्टिव कौन सी उसमें से, मशीन से, नहीं समझे? तो इसलिए E1 E2 E3 अलग अलग नाम है सबके। E1 5-4-3-2 परसेंटेज बोला है, परसेंटेज की वजह से 100 से डिवाइड करना मत भूलना। तो क्या आएगा, 5/100, 4/100, और ये क्लियर है? सुनो, अब क्वेश्चन कभी कभी इतना भी आता है, सिर्फ डिफेक्टिव बोर्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डिफेक्टिव बोर्ड्स की प्रोबेबिलिटी तो आप कहोगे कौन सी मशीन से, तो मैंने कहा ना तीन केस बने, पहले की पहले से प्लस दूसरे की दूसरे से प्लस तीसरे की तीसरे से, ये टोटल है डिफेक्टिव बोर्ड की, डिफेक्टिव बोल्ट्स के होने की प्रोबेबिलिटी। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं आराम से। उसे कहा अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। भाई क्यों बोल रहा है ऑनलाइन, इतनी देर में तो सीधा बोल मशीन बी की बतानी है, वो तो हमने बता दी हो रही वो तो खुद ही दे दो, अब तुमसे पूछ ले, नहीं समझे? सीधा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा रहा है, वही कह रहा है डिफेक्टिव बोल्ट्स के होने पर, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोर्ड्स के होने पर मशीन की बतानी है, सेकंड मशीन की, यानी इसको पलट दिया मैं नाम को, क्लियर है? और अब थियोरेटिकली लिखना है तो E1 E2 ये सब लिख देना है ना, मैं तो सीधा आंसर कर रहा हूँ, 25/100 की इंटू किस में होगी, 5/100 में, उसके सामने ही लिखा है जान के कि इंटू भी इंटू करते समय गलती ना हो रहे, फिर 35/100 की इंटू, ठीक है, और 40/100 की इंटू 2/100 में, और ये जॉन से की पूछे वन सा ऊपर, कौन सा ऊपर है ये वाला, तो 35/100 जो 100-100 था ना वो तो सारा गायब हो गया, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सब में एक जैसा है सब में, तो कटेगा कटेगा, तो 35/4 25/5 35/4 40/2 करना है क्या, 5 कॉमन निकाल दिया, 5×25 728, 5×40 8×2 5×7 35 728, आंसर कितना आया 16 और 8 24 44 और 5 49 और 20 69, 2 से कट है तो काट, नहीं तो यही आंसर है, आया समझ? क्लियर क्या करा है वो, आपकी अपनी कैलकुलेशन में आपने कर ली, डन, आगे बढ़ जाऊं, वेट, अभी मैं ही करूंगा, अभी मैं ही करूंगा, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आपका मन कर रहा है तो ट्राई कर सकते हो, चलो तो आप ट्राई कीजिएगा, क्या हो गया है ना, नहीं यार ये तो मैं ही करूंगा बाबा, ये तो क्वेश्चन मेरे नाम है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से है ये, सभी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इतना आप सभी क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है,
रना है यार, खुश है, ऐसी बात कर लो। तुम अपना क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो ये पैर दबा रहा है भाई, ये तो पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये पैर दबा रहा है। ठीक है, इसको इसको अकेले को ठीक है यार, बैड बैड सब हिला दिया तुमने। ठीक है ठीक है, चलो वेट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ठीक है, और देखिए, थैंक्स। देखिए इस क्वेश्चन को पहले सुन लेते हैं, समझने से पहले। बच्चा दिख रहा है? बच्चा, हाँ तुम्हें दिख रहा है बच्चा? ये पापा जी, ठीक है, और ये डॉक्टर साहब, ठीक है। क्वेश्चन को समझे तो डॉक्टर साहब के पास बच्चा गया, कहता पापा जी की मेरी तबीयत खराब है, प्लीज घर चलोगे? रोते हुए, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, पर पापा जी मस्त हैं, दिख रहा होगा तुम्हें। पर पॉइंट क्या है, सेवा बहुत करता है बालक अपने पिताजी की। तो ऐसे में गया डॉक्टर साहब के पास, गया डॉक्टर कहते हैं अच्छा जी चल बेटा जरूर करेंगे। तो ऐसे में क्या है, जब ध्यान से समझिएगा, लाइन बड़ी गहरी है। बच्चे के पिताजी की तबीयत खराब थी, तो ये डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब से कहता क्या कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे पापा जी की तबीयत खराब है, प्लीज चलिए ना। ठीक है चल बेटा, चलता हूँ मैं। अब जाएंगे तो नेचुरल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो कई चीजों से जा सकते हैं। तो हमने अब एट द एंड भी मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ से पहले बहुत दूर थे, ठीक है, वो यहाँ से थे, यहाँ से आके यहाँ पे इनके पास आ गया। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ। अब एट द एंड जैसे भी आया, पहुँच गया। पहुँचने के बाद हमने ये पाया, फिर वही डॉक्टर साहब की एक आदत थी सबके आगे एक ही चीज़ बहस करने की क्वेश्चन में, क्या कि जो भी आए ना तो अपने इसी बच्चे की वो क्या करते थे, बुराई करते हैं। बुराई लाइक कैसे, जब भी क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा तो नालायक निकला, जब देखो बस घर में पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है। डॉक्टर साहब कहते अच्छा, और फिर वही जो लाइन पूरे परिवार में सब जगह गाते रहते थे वही बोलते हैं फिर से, मेरे दो बेटे बेहतरीन लायक हैं और ये नालायक है। एक डॉक्टर है विदेश में, अच्छा खासा कमा रहा है, बढ़ गया डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दूसरा फिर कहता दूसरा बढ़िया इंजीनियर, खूब करोड़पति, अच्छा खासा इंजीनियरिंग में करके बैठा, वो भी विदेश में सेटल है। फिर वो डॉक्टर साहब फिर सोचना पड़ जाता है, कह रहा अगर इतना पैसा है तो नौकर चाकर तो कहीं देखी ना रे, अकेले बिस्तर पे तो लेटा हुआ आयू है ना। तो डॉक्टर साहब के मुख से उस टाइम पिताजी के लिए एक बात निकली, क्या जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी गहरी है। कभी अब ये, क्योंकि डॉक्टर साहब सोच रहे होंगे बहुत गहरी बात, क्योंकि ये चीजें जो वो सोच रहा है बार बार रोज नलायक नलायक करते रहते हैं। मान लो अगर यही बच्चा घर छोड़ के चले आए तो तभी पापा को अहमियत समझ आएगी ना, क्योंकि तब तक तो उनके लिए वो दोनों बच्चों की तारीफ है। और जो बच्चा एक्चुअल में घर में उनके लिए मेहनत कर रहा है, जो चलो कुछ नहीं है पर वही सब कुछ उनके लिए कर रहा है, तो उनकी अहमियत नहीं समझ रही। तो होता है ना कभी कभी हम खोने के बाद उसकी अहमियत समझते, वही वाली लाइन है। कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना
किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया, समझे। तो ऐसे में तो बस यार, तो E1, E2, E3, E3, तो हमारे बीच जो डॉक्टर साहब है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार चीजों का यूज करते हैं। एक तो ट्रेन का, या ठीक है, या फिर बस का, ठीक है, या फिर स्कूटर का, सुनो, स्कूटर का, ठीक है, या तो स्कूटर का यूज करेंगे डॉक्टर साहब, या फिर अदर मींस में कुछ भी आ सकता है, बात समझे। स्कूटर है ये, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन में ये क्लियर बोला गया है, डॉक्टर साहब जब पेशेंट के यहां विजिट करते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, मर नहीं जाते, लेट मतलब देरी से पहुंचते हैं ना। क्वेश्चन में बोला गया है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें ये अनुभव है बहुत अच्छे से कि अगर वो यूज करते हैं किसका, विल कम बाय, ही विल कौन, डॉक्टर साहब, ही विल कम बाय किससे, या तो ट्रेन से करके जो आ रही है, या फिर बस से, या फिर स्कूटर से, स्कूटर और या फिर पैदल ही मान के चले, वो लेट नहीं होता उसमें, डन। तो और ए यहां पे डिनोट कर रहा है ही विल बी लेट, आना एक अलग बात है, उनसे लेट होना अलग चीज है, नहीं समझे। तो क्वेश्चन में एक चीज समझो, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन में, 3/10, क्लियर बोलो हाँ। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो, इसे 2/10 लिख दूं समझाने के लिए, ऐसे ही। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10, और E4 की प्रोबेबिलिटी 2/10, एक बार चेक कर लेते, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3, अच्छा 2/5 तो दे रखी है, 4/10 आपको लिखनी है, मैं वही तो सोचूं 8 सा बैठ रहा जबकि 10 बैठना चाहिए टोटल, सही है। वेट, लेट भी तो होगा डॉक्टर, E1 लेट हुआ, बस से लेट हुआ, स्कूटर से, और लेट हुआ वो किससे, अदर मींस, अब वो कुछ भी हो सकता है, लेट ही नहीं होता ये बोला वो, ये ना क्वेश्चन में बोला गया है, तीन चीजों से तो लेट की प्रोबेबिलिटी दे दी उसने, और भाई साहब जो पहुंच रहे हैं ना वो कह रहे हैं अदर मींस का यूज करने पे तो कभी लेट ही नहीं होता, ही विल नॉट बी लेट, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा जब लेट ही नहीं होता, तो नहीं भाई साहब, लेट होने की बात हो रही है तो लेट नहीं होते तो हम जीरो मानेंगे उस टाइम पे, वरना दे क्यों रहा है, यही तो मेन है, सोचो, ले इसे देख, लेट नहीं सकता वो, लेट नहीं हो रहा क्वेश्चन की लैंग्वेज, और सब चीजों में हमने लिखा है A/E1, और A/E1 का मतलब है लेट होना अदर मीन से, और वो कह रहा नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं फिर यहाँ पे, नहीं आया समझ, अब जोन सी की बोलेगा बोन से ऊपर कर देना। तो क्वेश्चन में लेट होने पर क्या बोला है, क्वेश्चन में व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, लेट होने पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो रिक्वायर्ड ड्रॉप क्या हो जाएगी, E1/A, कर दू डायरेक्ट, हाँ कर दिया मैंने, 3/10 इंटू 1/4, 2/10 इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/12, और ये सारा जीरो हो गया, दिखाओ है, और जॉन सी की बोले वन सौ पर, मैंने जान के ये सेम इसलिए कर दिया था, एलसीएम लेना भी इजी रहेगा मेरे लिए, डन समझ गए, बोलो हाँ, 10 × 4, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 12, 10 × 12 लिख दूं, सारा आ गया इसमें माल, 10 और 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 × 3 9, 10 और 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 × 2 8, 10 और 12 से डिवाइड करूँ तो 1, तो ये कट गया, 4 × 12 3, 3 ऊपर चला गया, 9/9 8 10 18, 1/2 आंसर आया, क्लियर बोलो हाँ, नहीं आया समझ, करा वही है फिर मैंने उसके बाद कॉन्सेप्ट, पर एट द एंड उस पूरी जर्नी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये है,
नहीं समझे क्या कह रहे हो? अब हम करना चाहते हैं है बहुत मिनट है, क्योंकि जब तक मैं कराता रहूंगा तो समझ नहीं आएगा, आपके करने के बाद तो हाथ खोलेंगे थोड़े से। तो प्लीज तीन से चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से करिएगा, नहीं होगा तो मैं करूंगा, कौन सी दिक्कत है? तू ही मेरी शब है सुबह है, ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम। बहुत इतना दिख रहा होगा, तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन करिए तुरंत भग जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन की अपनी एक लैंग्वेज है, जिसको नहीं समझ आएगी तो मैं समझा दूंगा, पहले आप ट्राई कीजिए, बिना बातें करे सिर्फ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? यार कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, क्या हो गया आजकल मेरे? ये क्या नाम है तुम्हारे बैच का? NNG 12th NNG। आदित्य बोल रहे, आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, अखिल, अमर, तो वाकई में अमर है, आर्यन, दिव्या, समझ आ रहा है जी जी, हिमांशु पाल, करण, कार्तिक, क्रेश, प्रेरणा, राधिका, राशिका, ऋषभ, रिया, शोभदीप, तनिष, सारे आए, और जो जिनका नाम नहीं लिया है वो अपने आप को ऐड करें। गुरु जी, बेटा क्या नाम है आपका? देव, DEVAS, देवाशीष, फोन नंबर 931 हाँ 237 ओके 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 फिर से बोलना पड़ेगा आपको नंबर, अब 931 513 797 क्या हो गया से? हाँ कौन बोला? फिर से ले लिया फोन तूने? और अब की बार मैं तोड़ दूंगा, घर आके तोड़ दूं, चाहे पहले हड्डियां तोड़ूंगा फिर फोन तोड़ूंगा, काम कैसे आएगा बता? हाँ आदित्य सिंह, बेटा क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाथ तो चलना रे, नंबर के नाम पे बिल्कुल जीरो। इसको अभी आएगा नंबर, रुक जाओ ना, वेट कर, अभी नंबर तो सबका आएगा, टेंशन ना ले। 12th NNG देवाशीष और साथ में आदित्य,
भैया यहाँ सर्च तो ना हो रहा नंबर। हाँ जी नंबर सर्च नहीं हो रहा, आप अगर कर दूं नंबर बोल फिर से। हाँ नहीं सर्च हो रहा, ये सेव तो कर लिया मैंने, तुम मेरे को खुद मैसेज करियो तब ऐड करियो, फिर रख मत लियो कभी चलाने लग जा फोन। पहला हुआ, पहले का आंसर 2/3 सही कर रहे हो कैसे, तो बहुत शार्प हो। तीसरे दूसरे का ये वाला थर्ड वाला क्या बताया तुमने, हैं फिर से बोलिए, 13 बोलने हैं बच्चे ने, खराब ये तेने बताओ अभी हैं, यही बुला के पीटूंगा और वो छोटे से क्लिप पापा को काट के भेजूंगा। जी 9, 8, 17 होते हैं, 17 ही होते हैं, कुछ तो गलती कर रहे हो गुरु जी, बहुत तगड़ी, हो सकता है पीछे वाले गलती कर रहे हो। चलो मेरी बारी, क्वेश्चन में पहले में E1 E2 तो क्लियर दिख रहा होगा, रिसाइड इन हॉस्टल और नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, फिर ए ग्रेड दोनों लाते हैं, समझ गए, ये करा प्रेजेंटेशन के साथ E1 E2 ए लिखा है दीदी। चलो देखते हैं, और इसमें फिर किसकी पूछी है, हॉस्टलर की, यानी E1 बाई ए पूछी है एट द एंड, तो क्या आएगा 60/100 इंटू 30% रिसाइड इन हॉस्टल, यानी 30% लाते हैं, और 40% जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो 20% लाते हैं, तो 60/100 इंटू 30/100 रिसाइड इन हॉस्टल, 60 जा 18, 18+20 8, 13 सही है। देखता रहियो देखता रहियो देखता रहियो, अच्छा अच्छा 9/13 आया है, 9/13 नहीं आया समझ, 9/13 सबको समझ आ गया, फोर्थ वाला बड़े मजेदार है, कॉन्सेप्चुअली है, जिसमें दिमाग है बस वही कर रहे, कुछ कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, आया समझ बच्चों, आया तुझे कुछ कुछ आया, शहर सारा आ गया, उम्मीद करता हूँ सभी को आज की क्लास के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, सभी आराम से घर से करके लाइएगा एक्सरसाइज मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है, चैप्टर है नया आईएससी बुक के पॉइंट ऑफ से, और पिछले एक चैप्टर कंप्लीट करके रखना जिसके डाउट्स तसल्ली से लिए जाएंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे।